बड़ी खबर यह है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का बजट और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव चौथी बार बजट पेश करेंगे, लेकिन 27 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद 1 मार्च को पेश होगा चालू वित्त वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट। 5 से 12 मार्च तक रहेगा अवकाश, कुल 16 कार्य दिवस का होगा ये बजट सत्र और उससे पहले मीटिंग हुई है, लेकिन उसके साथ साथ प्री बजट की मीटिंग के साथ साथ बजट से जुड़ी खबर भी आ गई है। ये बजट सत्र कब कैसे होगा, किस किस दिन क्या होगा, देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे इस वक्त। तो देश के बजट के बाद अब झारखंड के बजट की बारी है, देश के आम बजट के बाद अब झारखंड के बजट की बारी। तो बजट में क्या होता है और बजट का जो सत्र वो कब तक चलता है, वो जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। इसकी शुरुआत 27 तारीख से होगी, कुल 16 का दिवस का ये बजट होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या क्या खास है जानकारी बजट सत्र से जुड़ी हुई? देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को आउट करने का झारखंड सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव को राज्यपाल रमेश वैश ने अपनी सहमति दे दी है। 27 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चलेगा, कुल 16 कार्य दिवस इस दौरान होंगे और 3 मार्च को झारखंड का अब जो आम बजट है वो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में पेश करेंगे। ये चौथी बार होगा जब वित्त मंत्री की हैसियत से डॉक्टर रामेश्वर उरांव झारखंड सरकार का बजट हाउस में ले करेंगे और 23 वर्षों के झारखंड में ये ऐसे दूसरे वित्त मंत्री होंगे जो लगातार चौथी बार बजट सदन के पटल पर रखेंगे। उसके अलावा अगर कुल 16 कार्य दिवसों की बात करें तो 27 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होना है। जब भी विधानसभा का बजट सत्र आहूत होता है तो पहले कार्य दिवस में राज्यपाल सदन को संबोधित करते हैं, सरकार के द्वारा किए गए कामकाज का ब्यौरा सदन को बताते हैं। तो 27 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होना है और 1 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा सप्लीमेंट्री बजट हाउस में ले किया जाएगा। 2 तारीख को सप्लीमेंट्री बजट पास किया जाएगा और उसके बाद 3 को आम बजट आना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक होली के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी, उसके बाद 13 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच सदन की कार्यवाही फिर से चलेगी। तो कुल 16 कार्य दिवस वाले झारखंड विधानसभा के मॉनसून माफ करिएगा बजट सत्र को राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। जो 9 तारीख को झारखंड की सरकार ने कैबिनेट की बाहुल बैठक आहूत की है उसमें संभवतः ये प्रपोजल आकर इसको स्वीकृति दी जा सकती है। अब ये तय हो गया है, सरकार अब बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि 27 फरवरी को क्योंकि रामगढ़ में बाई इलेक्शन के तहत पोलिंग होना है तो संभवतः उस दिन कार्य दिवस ना हो, लेकिन 27 से यहां उसे आहूत किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात अब तक छनकर सामने आई है पंकज कि 4 तारीख को भी सदन की कार्यवाही होगी, यानी कि 4 तारीख शनिवार है, आमतौर पर शनिवार को सदन नहीं चलता है, लेकिन इस बार शनिवार को भी एक अतिरिक्त कार्य दिवस रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से लंबी छुट्टी होली की वजह से सदन के अंदर देखने को मिलेगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए 4 तारीख को भी सदन की कार्यवाही चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप विपिन और जानकारी आपने दी इस बजट सत्र से जुड़ी हुई है। बताएगी कैसे ये बजट सत्र होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।